केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार, मैं हूं दिया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष अरविंद मारवाड़ी की मुसीबत बढ़ गई है। अरविंद पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। गिरफ्तारी से बचने को अरविंद मारवाड़ी कोर्ट से राहत पाने की जुगत में जुट गया है। इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की जा रही है। माना जा रहा है कि जिला स्तर पर उसे राहत मिले या ना मिले, लेकिन हाईकोर्ट से उसे राहत जरूर मिल जाएगी। गंभीर बात यह भी है कि वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के साथ ही भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव सिक्का व महानगर उपाध्यक्ष अरविंद मारवाड़ी पर पॉस्को एक्ट लगा है। पार्टी की लगातार फजीहत होने के बावजूद पार्टी ने इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। माना जा रहा है कि आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी का संरक्षण होने के कारण पार्टी एक्शन लेने से कतरा रही है। बता दें, हाल ही में भाजपा नेत्री की अश्लील वीडियो प्रकरण में पार्टी सभासद रविंद्र सिंह व रविंद्र नागर को अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए पदमुक्त तो कर दिया गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्कासन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर राजकुमार बजाज को भी उसी पत्र में पदमुक्त कर दिया गया जिसमें आपत्तिजनक हरकत करने वाले रविंद्र सिंह नागर व रविंद्र के नाम दर्ज हैं। पिछले दिनों मेरठ में दो ऐसे बड़े मामले सामने आए जिसमें भाजपा को हिलाकर रख दिया। पहला मामला बुजुर्ग अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता की अय्याशी से जुड़ा है। किशोरी द्वारा लगाए गए आरोप की जद में भाजपा सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का और महानगर उपाध्यक्ष अरविंद मारवाड़ी आ गए। तीनों के खिलाफ पॉस्को एक्ट की धाराएं लगाई गई। रमेश चंद गुप्ता को देहरादून से गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन मंत्री संजीव सिक्का व अरविंद मारवाड़ी पर पुलिस ने नजरें इनायत रखी। कहा कि पहले जांच होगी, दोषी पाने पर बाद में कार्रवाई। संजीव सिक्का आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी के करीबी हैं। यही कारण रहा कि अपने करीबियों के बीच बैठकर बराबर ये कहते रहे कि उन्हें जल्द ही क्लीन चिट मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर वे बराबर अपनी लोकेशन इस तरह डालते नजर आए जैसे सब कुछ सामान्य हो। वहीं अरविंद मारवाड़ी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं। चर्चा में आने के एक दो दिन बाद ही वे भूमिगत हो गए और पुलिस ने अरविंद मारवाड़ी के खिलाफ भले ही गैर जमानती वारंट जारी कर दिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि उसे जमानत मिल जाएगी। लोकल स्तर से ये फिर हाईकोर्ट से। अब दूसरा मामला जागृति बिहार मंडल के एक भाजपा नेत्री के आपत्तिजनक वीडियो वायरल से जुड़ा है। आरोप के केंद्र में भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह व रविंद्र नागर हैं। दोनों जमानत पर बाहर हैं। नागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि रविंद्र सिंह के सामने तो गिरफ्तारी की नौबत ही नहीं आई, वह बाहर से ही जमानत पा गया। 25 जुलाई को महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें डॉक्टर राजकुमार बजाज, रविंद्र सिंह व रविंद्र नागर को उनके सभी जिम्मेदारियों से पदमुक्त कर दिया गया था। इसी पत्र में डॉक्टर राजकुमार बजाज का नाम भी आना सभी के लिए चौंकाने वाली बात रही। कारण यह है कि घुमा फिराकर जिस भाजपा नेत्री के कथित वीडियो के कारण दोनों रविंद्र को कार्यमुक्त किया गया, उस प्रकरण से डॉक्टर बजाज का कोई लेना देना नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।